पोकेमॉन की वीडियो क्यों नहीं डाल रहा है, पोकेमॉन को क्या कार्टून समझ रहा है। ये वो कमेंट्स थे जो कि मेरे को करीब एक दो हफ्ते से आए जा रहे थे हर वीडियो में। तो यार सबसे पहले क्या तू पोकेमॉन को कार्टून समझ रहा है, तो यार नहीं, ऐसा नहीं है। बस यार अब पोकेमॉन की वीडियोस में वैसा इंटरेस्ट नहीं आता बनाने में, क्योंकि पहले ही बहुत सारे पोके ट्यूबर्स हो गए इंडिया में, तो यार अब उतना बात करने में वो फीलिंग नहीं आती यार। पर फिर भी यार अगर आप है तो हम है, और हम दोनों हैं तो यार पोकेमॉन है, और इसी कारण हम पोकेमॉन के ऊपर वीडियोस डालना कभी भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे ये दुनिया ही ख़त्म क्यों ना हो जाए। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग पोकेमॉन के फिर से कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोकेमॉन की 7th मूवी डियोक्सिस एंड डेस्टिनी के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो यार अब वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये पोकेमॉन की ऐसी पहली मूवी थी जिसको टीवी रिलीज पहले मिली थी इसके वीडियो और ब्लूरे रिलीज से। तो ये जो मूवी है वो डायरेक्ट टीवी में आई थी, जैसे हमारे इंडिया में आती है, कोई ना पहले थिएटर में रिलीज होती है ना पहले उसका ब्लूरे निकलता है, डायरेक्ट टीवी में आती है। वैसे इसके साथ भी हुआ था, पहली मूवी ये डायरेक्ट जापान के टीवी में लगी थी यार, और ये ऐसी पहली मूवी थी यानी कि इसको पहले ना थिएटिकल रिलीज मिला था और ना ही पहले ब्लूरे रिलीज मिला था, ये डायरेक्ट जो है वो टीवी में रिलीज हुई थी, जिसके कारण यार पोकेमॉन को काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा होगा। फैक्ट नंबर 2, ये पोकेमॉन की ऐसी पहली मूवी थी जिसको मिरामैक्स फिल्म्स ने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया था। 3, ये पोकेमॉन की ऐसी पहली मूवी थी जो कि यूनाइटेड किंगडम में टीवी में रिलीज नहीं करी गई थी, पर इस मूवी का जो ब्लूरे है वो यूनाइटेड किंगडम में भी अवेलेबल था। 4, ये पोकेमॉन की ऐसी पहली मूवी है जिसमें जो जैसी का बाबा फेट है वो हम लोग को देखने नहीं मिला था। 5, ये मूवी में हम लोग ने देखा था मैं का बर्बासौर, और ये जो मूवी है वो अमेरिका में रिलीज हुई थी, पर अमेरिका में ये जो मूवी है वो पहले रिलीज हो गई थी इसके डेट के हिसाब से, क्योंकि यार इस मूवी में बर्बासौर था जैसे कि मैंने बताया था मैं का, और अमेरिका के हिसाब से जो बर्बासौर है वो उस समय आया ही नहीं था, मतलब कि जब जो मैं है वो बर्बासौर को कैच करती है वो वाला एपिसोड इस मूवी के बाद दिखाया गया था। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो मूवी है वो अपने डेट के हिसाब से पहले रिलीज हो गई। 6, डियोक्सिस का जो स्पीडी फॉर्म था वो इस मूवी में नहीं होने वाला था, पर पहले ये जो फॉर्म था वो पोकेमॉन के एम्पर्ड वर्जन वाले गेम में दिखा दिया गया था, और इसी कारण पोकेमॉन को डियोक्सिस का स्पीड फॉर्म को पब्लिक करना पड़ा। 7, ये पोकेमॉन की ऐसी पहली मूवी थी जिसको ब्लूरे कॉम्बो में निकाला गया था। अब आप लोग बोलोगे कि यार ब्लूरे में ये पहली मूवी थी तो यार पुरानी मूवीज भी तो निकल चुकी थी, पर यार ये जो मूवी है वो कॉम्बो में रिलीज हुई थी। अब आप लोग बोलोगे कि कौन सी मूवी के साथ ये कॉम्बो में आई थी, तो यार ये जो मूवी है वो पोकेमॉन की 5th मूवी पोकेमॉन हीरोज के साथ कॉम्बो में ब्लूरे में अवेलेबल हुई थी, और ये दोनों मूवी ब्लूरे में 2011 में अवेलेबल हुई थी। तो यार बस यही थे कुछ फैक्ट्स पोकेमॉन की 7th मूवी के बारे में। ये मूवी सच में बहुत ही ज़्यादा औसम थी और मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। और अगर आपको ये मूवी पसंद है या फिर ये वीडियो पसंद आया है आपको, तो यार इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, ये फैक्ट्स भी पसंद आया तो यार इसको प्लीज़ से लाइक कर देना, और अगर आप चैनल में नए हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, यहाँ ऐसी और भी पोकेमॉन या फिर एनिमे वीडियोस मिलते रहते हैं। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि पोकेमॉन की पुरानी मूवीज़ के ऊपर भी हम लोग ने फैक्ट्स वाली वीडियोस बना के रखे हैं, तो अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हो तो यार जाके देखो, उसके ऊपर पहले ही एक प्लेलिस्ट बन चुकी है मेरे चैनल में, तो आप वहाँ जाके पूरे जो मूवीज़ की इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हो। तो यार बस चलो, टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, पीस आउट, गुड बाय।